Good morning, students. Welcome to the online maths class. This is your teacher, Vaishali ma'am, and I have come here with another video. And this video is video number 2. And kaun se chapter ka hai ye video? Which chapter? Chapter number 8, money. Okay? In this video, we will learn the conversion of rupees into paise. Okay, this one will be a very short video, and in the upcoming video I will explain how to convert paise to rupees. But in this video I will explain how to convert rupees to paise. ठीक है? अगर कुछ rupees में दिया हुआ है, उसको आप पैसे में कैसे convert करोगे? Okay? Now, in your book, the important point that you have to remember, it is in yellow color bubble. You can see what is written here. This is in page number 109. Okay? Okay. To convert the rupees and paise into paise, we simply remove the point. अगर हमें रुपीज को पैसे में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, एक रुपीज को या तो रुपीज को भी और रुपीज और पैसे को भी, देखो यहाँ पे सिर्फ रुपीज में ही है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, पॉइंट करके पैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ रुपीज भी है और एक डॉट देके यहाँ पे पैसे भी है कि नहीं? तो अगर आपको सिंपली कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट को मूव कर देना है, पॉइंट को हटा देना है, ये जो डॉट है पॉइंट है इसको हटा देना है, और सिंपली जो आंसर आपका होगा, जो नंबर आपका पॉइंट हटाने के बाद जो नंबर है वही वो नंबर हो जाएगा, बाद में हमें बस एक पैसे लगाना है. ठीक है, ये तो हुआ वेरी सिंपली, ये ट्रिक हुआ कि कैसे आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करोगे. अगर इसको आपको कॉपी में करना है, इफ यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी, आप कैसे करोगे, हाउ यू विल शो इट? सो फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, रुपीज 21, हाउ टू कन्वर्ट रुपीज 21 टू पैसे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, एक रिलेशन आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और कौन सा है वो रिलेशन जो आपको बिल्कुल याद रखना है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. ये जो है रिलेशन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है. ठीक है, तो अगर 1 रुपी 100 पैसा होता है तो देयर फोर 21 रुपीज. ठीक है, 21 यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल में लिखा हुआ है, और कुछ फर्क नहीं, और कुछ अंतर नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, 21 रुपीज इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, दैट विल गिव यू 2100 पैसे. ओके, एम आई क्लियर? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पे 100 करते हैं और सिंपल आंसर लिखते हैं, बाद में पैसे डाल देते हैं, पैसे लिख देते हैं, पी लिख देते हैं. आप यहाँ ध्यान दियोगे, नोटिस कियोगे कि यहाँ पे सिर्फ रुपीज है, यहाँ पे डॉट देके पैसे नहीं है, सिर्फ रुपीज ही है. बट हमारे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ रुपीज भी है और फिर एक डॉट है और पैसे भी है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगेन हमें वैसे ही करना है, बस एक छोटा सा हमें एडिशन करना है बाद में. तो चलो मैं आपको ये दिखा देती हूँ. सो यहाँ पे भी वही रिलेशन काम आएगा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, देयरफोर. अच्छा, यहाँ में इस क्वेश्चन में ये रुपीज में है और ये तो ऑलरेडी पैसे में है, क्या आप देख रहे हो बच्चों? ये जो है पॉइंट, मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था ना कि डॉट के इस तरफ जो है वो रुपीज होता है और डॉट के इस तरफ जो है वो पैसे होता है. तो हमें
क्या चेंज करना है, किसको कन्वर्ट करना है? हमें सिर्फ इसको ही कन्वर्ट करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी पैसे में ही है. दिस इज ऑलरेडी इन पैसे, तो इसको तो आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है, है कि नहीं? हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें रुपीज से पैसे को, रुपीज में जो जो है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो बच्चों, रुपीज में ये जो है 17, यही सिर्फ रुपीज में है, बाकी 32 जो है, 32 तो ऑलरेडी पैसे में ही है, तो इसको आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट 32 बिकॉज 32 इज ऑलरेडी इन पैसे. जो आपको करना है वो है सिर्फ 17 को, आपको 17 रुपीज है उसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम जानते हैं जो रिलेशन हम कर चुके हैं, जो रिलेशन लर्न वो है रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे. देयरफॉर रुपीज 17, तो 17 रुपीज 17 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 17. सो व्हाट इज द आंसर? 1700 पैसे. ठीक है, बस अपना 17 रुपीज जो था वो पैसे में कन्वर्ट हो गया. अब हमें लास्ट में एक छोटा सा एडिशन करना है. ये जो 1700 है उसके साथ इस 32 को ऐड कर देना है. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? रुपीज 17.32 इज इक्वल टू 1700 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 1732 पैसे. देखो, am I clear? और हमारा ये वाला ट्रिक का क्या कह रहा था, हमें सिर्फ जो पॉइंट है उसको हटा देना है. तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन में देखोगे, आपको सिर्फ ये पॉइंट हटा देना है. तो देखो, अगर हम ये पॉइंट को हटा देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1732 आ रहा है कि नहीं? 1732 पैसे. तो देखो, अपना यहाँ पे भी आंसर 1732 पैसे ही आया. बस इसमें फर्क इतना है कि ये जो है ये एकदम शॉर्टकट में है, और ये है थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शो करना है. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कॉपी में जब आप आंसर शीट में, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तब आपको ऐसे स्टेप्स में दिखाना है. ठीक है, और हमेशा के लिए अगर आपको ट्रिक एक यूज करना है हर रोज, हर दिन के लिए आपको अगर ये ट्रिक यूज करना है कि कैसे इसको कैसे पॉइंट में है, रुपीज और पैसे में है, इसको कैसे पैसे में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करना चाहो, हाँ ओरली कहना चाहो, तो भी आप कर सकते हो. बस एक पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट के जो आंसर रहेगा, जो लिखा हुआ रहेगा 1732, तो ये है 1732. बस यहाँ पे हमने शो किया है कैसे 1732 आया है. ओके, सो अगेन लेट मी रिकैपिचुलेट, फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूंगी. 17.32 रुपीज को, रुपीज 17.32 को कैसे हम चेंज करेंगे पैसे में? हम जानते हैं ये रिलेशन, रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे. देयरफॉर रुपीज 17 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 17, दैट विल गिव यू 1700 पैसे. अब लास्ट में आपको एक एडिशन करना है, जो भी आपको पैसे में, जो भी डिजिट रहेगा पैसे में, जो भी रहेगा उसको आपको एड कर देना है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो, that is video number 3, I will explain conversion of paise into rupees. Okay, next video mein main samjhaungi conversion of paise into rupees. So that will be your video 3, conversion of paise into rupees एंड पैसे. ओके, कैसे हम पैसे को रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करेंगे, कुछ रुपीज कुछ पैसे, मतलब टोटल पूरे पैसे को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ रुपीज में कुछ पैसे में. ओके,